इसमें रविंदर राणा जी हैं भाजपा क्वार्टर में, जहां पर काफी भारी तादाद में लंबेड़ी और नौशहरा के लोगों ने आज भाजपा का दामन थामा। ये वही नौशहरा जहां से सुरेंद्र चौधरी एक बड़े ही यानी के कद्दावर नेता माने जाते थे, भाजपा का हिस्सा थे और कुछ ही देर दिन पहले उन्होंने भाजपा को अलविदा कहा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। आज सवाल करेंगे जो सुरेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि रविंदर राणा जी से जरूर पूछें। जिस तरह से सुरेंद्र चौधरी जी ने रिजाइन किया था यानी अलविदा कहा था, तो इनसे सवाल पूछेंगे। रविंदर राणा जी, ये जब सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा का दामन छोड़ा था, एनसी को पकड़ा था, प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों से ये कहा था कि रविंदर राणा जी से मेरी तरफ से दो सवाल जरूर पूछना कि 90 लाख का जो कम्युनिटी हॉल बना था और 45 लाख का बीडीओ ऑफिस, उसकी चाबियाँ कहाँ पर है? मैं एक दिन आपको उसके सारे डॉक्यूमेंट दूंगा। जी 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 जी। 23 दिसंबर 2017 को उस वक्त की चीफ मिनिस्टर जब मैडम महबूबा मुफ्ती थी, वो रजौरी के अंदर एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में गई थी। उन्हें एक अलग अलग डेपुटेशन से वो मिले थे। उस वक्त मैंने 3 बड़े प्रोजेक्ट्स मंजूर करवाए थे, सुंदरबनी में गंगा घाट, शिव शक्ति धाम जो कि अंबखोड़ी कांगड़ी के एरिए में, और लंबेड़ी के अंदर बाबा नार सिंह महाकालेश्वर धाम। और ये तीनों प्रोजेक्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट ने टेक ओवर किए थे, जिसका जिक्र आपने किया है उसके पूरे डॉक्यूमेंट है। और एक बड़ा वो कोई 90 लाख या 45 लाख का नहीं, कुछ चाबियों की बात कर रहे थे, कुछ चाबियों वो अभी डॉक्यूमेंट की बात अभी बने ही नहीं है, इनकम्प्लीट। अच्छा, इनकम्प्लीट है। मैं चाहूंगा आप एक दिन टाइम निकालो, बिल्कुल सर, वहाँ जाओ जी, बिल्कुल, उसकी एक लाइव स्टोरी सबको दिखा, बिल्कुल सर। वहाँ एक बाबा नार सिंह जी का एक देवस्थान है, मंडी है बाबा नार सिंह जी की। आपको याद है, पता है कि हमारे सारे क्षेत्र में बाबा नार सिंह जी की बड़ी पूजा होती है, मान्यता होती है कुल देवता के नाते से बाबा जी की। और बाबा नार सिंह जी का एक बहुत बड़ी मंडी है और उसके साथ वहाँ एक पुराना एक शिवलिंग, जिसका जिक्र करते हैं कि महाकालेश्वर धाम से उसको स्थापित किया गया था, उसको लेकर एक प्रोजेक्ट बनाया गया था और उसकी सारी डिटेल मेरे पास है। जी जी, बिल्कुल है, डिटेल है आपके। हाँ, और ये 23 दिसंबर 2017 को रजौरी में जब चीफ मिनिस्टर का दरबार लगा था, उसमें वो सारा विषय आया था। और उसके फंड्स, कुछ टोकन मनी हमने अपने CDF से दिया था, बिल्कुल, लेकिन 6-7 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो। अभी तक इनकम्प्लीट है, अभी तक तो खाली उसके ढांचा, हाँ ढांचा ही, उसके उसकी पूरी DPR है, मैं दे सकता हूँ वो DPR। वो सवाल किया था हमने आपसे, सवाल कर दिया, बिल्कुल। वो मैं चाहता हूँ एक दिन आप वहाँ जाएं, बिल्कुल जरूर जाएंगे सर, और आप उसकी डिटेल बनाएं, मैं आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स कागज निकाल के दूंगा। और उसमें कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स ने दिया था, कुछ टोकन मनी हमसे चीफ मिनिस्टर ने कहा था, क्योंकि 6-7 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और उस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है, वो कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है जी, जी। उसका नाम कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी हॉल नहीं है, वो बाबा नार सिंह देवस्थान महाकालेश्वर धाम, इसके नाम से पूरा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल सर, अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए होंगी, मैं आपको। भाजपा जिसे जो कहती है कि हमेशा NC कांग्रेस या PDP ने परिवारवाद चलाया है, तो उन्होंने ये भी कहा कि परिवारवाद तो भाजपा में चलता है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अशोक कुल जी का भी नाम लिया कि भाई भतीजा चल रहा है, वाकई ऐसा कुछ? चलिए, आपको मालूम है ये सारा मामला चूंकि अदालत में जाने वाला है, बिल्कुल, आपने तो लीगल नोटिस भी इनको। अब जब मामला सारा अदालत में जाएगा, मैं चाहूंगा कि उसमें जो अदालत फैसला करेगी, अदालत कौन नुकसान हुआ भाजपा को सुरेंद्र चौधरी जी के आने से, ऐसा क्या हो गया? ढोल नगाड़ों के साथ आए थे, बड़ी जल्दी बैक टू पवेलियन हो गया, क्या बात है? चलिए आप आइए, ऐसा क्या हो गया सर? प्लीज, थैंक यू। नहीं बताइए ना सर, देखो मैं। अच्छा सर, एक एक आप हमेशा भाजपा महिलाओं के सम्मान की बात करती हो, प्रधानमंत्री जी ने काफी सारी स्कीम्स महिलाओं के लिए गाए, लाडली स्कीम उसकी एक एग्जाम्पल है। मणिपुर में जो घटना हुई,
मणिपुर के ऊपर सर, महिलाओं के सम्मान की बात है, आपका महिला मोर्चा भी चुप है, जवाब तो दीजिए कम से कम। सबका सम्मान हम ऐसे लोगों का जिन्होंने दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर कर पूरा वहाँ सर उन्होंने परेड करवाई है, ऐसे लोगों के लिए किस तरह की। देखिए मेरी बात सुनिए, कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून सबसे बड़ा है। एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव साहब थे, उनके खिलाफ एक मामला अदालत में चला गया और नरसिम्हा राव साहब, स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी, उनको भी कोर्ट की कचहरी में जज के सामने खड़ा होना पड़ा था। हमारा देश कानून के मुताबिक चलता है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, वहाँ भी इंसाफ होगा, यकीनन होगा। क्योंकि बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं, मैं कहता हूँ यकीनन, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिलाओं के सम्मान की बिल्कुल, बात की है। बिल्कुल, तो ऐसी ऐसी घटनाएं आप यकीन रखिए, घटनाएं बहुत बड़े सवालों को न्योता देती है। आप यकीन रखिए, आप यकीन रखिए, इस सारे मामले में जो भी दोषी होंगे वो नहीं बच पाएंगे, सवाल पैदा नहीं। हमने रविंदर राणा जी से सवाल किया कि सुरेंद्र चौधरी जबकि भाजपा को छोड़कर जब उन्हें एनसी का दामन थामा था, उन्होंने ये कहा था पत्रकारों से कि आप ये दो सवाल जरूर रविंदर राणा जी से किए जाए कि 90 लाख का जो कम्युनिटी हॉल बना था और साथ ही साथ 45 लाख का जो वीडियो ऑफिस बना था उसकी चाबियां कहाँ है। उसका स्पष्टीकरण देते हुए रविंदर राणा जी ने कहा कि हम पूरे डॉक्यूमेंट के साथ डीवीआर आप तक लाएंगे ताकि आप पूरी तरह से जानकारी रख सके कि वो अभी इनकम्प्लीट है, अभी पूरी तरह से तैयार होकर नहीं आया। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि मणिपुर की घटना को लेकर जिस तरह से पूरे देश की आज महिलाएं सवाल कर रही हैं और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री उनसे उम्मीद करते हैं वो न्याय करेंगे, क्योंकि आज पूरे देश में हाहाकार होगी भाजपा पर, यानी कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा बात करते हैं, बड़ी सारी महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए उनके लिए स्कीम्स भी निकाली, बड़े कानून भी बनाए, पर वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से मणिपुर की घटना हुई उसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। अब यही नजरें हैं कि किस तरह से उन आरोपियों को सजाएं दी जाएंगी ताकि आने वाले समय में ऐसा करना तो दूर कोई सोचने की भी हिमाकत ना करे। अब देखना यह है कि जिस तरह से कोशिश करेंगे हम भी उस जगह पर जाने के लिए जिस पर सवाल उठाए थे सुरेंद्र चौधरी ने, पर आखिर ऐसा क्या, हमने ये भी पूछा क्या भाई भतीजावाद या करप्शन के इल्जाम लगाए, पर पूरी तरह से पूरा जवाब नहीं दे पाए, शायद समय की कमी होगी, पर फिर से हम जरूर इनसे यह सवाल करें, जब भी हमारा कोई इंटरव्यू होगा फिर से हम रविंदर राणा जी से सवाल करेंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवाहर।